गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं विकास कपूर आज केमिस्ट्री में क्लास 10th के लिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ये सेकंड क्लास डिस्कस कर रहा हूं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन इज इट इज a process of representing a chemical reaction with symbols and formulas. Iska example hum dekh sakte hain. Zinc reacts with sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen. तो इसकी equation कैसे लिखेंगे हम लोग? देखिए, जिंक प्लस H2SO4 विल फॉर्म ZnSO4 प्लस H2। तो ये इसकी इक्वेशन है। आगे देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन अभी टू टाइप्स की हैं। वन इज बैलेंस्ड equation and other is unbalanced equation. तो आइए देखते हैं इसको। balanced chemical equation. तो balanced chemical equation में जो atoms हैं different elements के, तो on both the sides they have to be balanced. तो हम लिखते हैं इसको those chemical equation in which atoms of different elements are balanced on both sides are called as balanced chemical equation. तो इसमें हमें ये अंडरस्टैंड करना है दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट ऑन reactant side must be equal to number of atoms of same element on product side. आइए इसको थोड़ा इस टाइप से हम एक टेबल में देखते हैं। रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ जिंक, number of atoms of H, number of atoms of S, number of atoms of O. तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे 1, प्रोडक्ट साइड पे 1, H के कितने हैं 2,
इधर एच के कितने हैं, टू, एस के कितने हैं, वन, उधर एस का कितना है राइट साइड में, वन, इधर ऑक्सीजन के कितने हैं, फोर, उधर ऑक्सीजन के कितने हैं, फोर. सो दिस इज द वे कि हम दोनों तरफ जो है वो बैलेंसिंग से पहले या बाद में हम लोग चेक कर सकते हैं कि कितने हमारे पास एटम्स हैं दोनों तरफ. तो आगे इसमें बढ़ते हैं अनबैलेंस की तरफ. अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दोज केमिकल इक्वेशन इन विच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट बैलेंस्ड. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट सेम इन नंबर ऑन बोथ साइड आर कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इक्वेशन लिखते हैं एच टू प्लस ओ टू इज गिविंग एच टू ओ, वैसे कैलकुलेट करके पता चल जाएगा एच टू के कितने हैं, दो, ऑक्सीजन के भी दो, इधर एच टू ओ के दो बट ऑक्सीजन का एक. तो ये तरीके से हम लोग पता भी कर सकते हैं इसमें. आगे बढ़ते हैं इसमें भी, सेम टेबल एक बार बना लेते हैं ऐसे. रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, इसी के लिए बना रहे हैं हम. H2 प्लस O2 गिव्स H2O. नंबर ऑफ एच एटम्स, नंबर ऑफ ओ एटम्स, देख लीजिए इसमें कितने एटम्स आ रहे हैं, टू, इसमें भी टू, इसमें टू, इसमें वन. देयरफॉर अबव इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड. ठीक है, इसको बैलेंस करने की जरूरत है. नाउ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, इससे क्या मतलब है हमें, मतलब क्या बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है. इट इज बेसिकली अ प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ मेकिंग नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स सेम ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड. बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे हम बैलेंसिंग करते हैं. तो नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाई केमिकल इक्वेशंस नीड टू बी बैलेंस्ड, नीड्स टू बी बैलेंस्ड. इसको बैलेंस करने की जरूरत क्या है, क्यों है, बैलेंस क्यों करना चाहिए. इट नीड्स टू बी बैलेंस्ड बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमारे पास जो भी मास है रिएक्टेंट साइड पे, वो सारा टोटल जितना भी है वो प्रोडक्ट साइड पे भी बराबर होना चाहिए. तो देयरफॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल होल्ड करने के लिए हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है.
तो बिकॉज इसको आगे हम लिख सकते हैं ऐसे, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, देयरफॉर जो मास है रिएक्टेंट्स का बिफोर केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक वजह होती है उसकी कि हमें बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है। नाउ नेक्स्ट है आगे, हाउ कैन वी मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, क्या तरीका है कि हम उसको ज्यादा और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके केमिकल इक्वेशन में, देखते हैं इसको। हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, इट कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव बाय डिफाइनिंग देयर स्टेट्स, स्टेट्स का मतलब क्या है इसमें, कैसे डिफाइन करनी है स्टेट्स, सॉलिड है लिक्विड है या गैस है, तो एक तो ये बाय डिफाइनिंग देयर स्टेट्स, बाय डिफाइनिंग देयर कंडीशंस, अदर कंडीशंस कैसे, लाइक प्रेशर टेम्परेचर एक्सेट्रा, बाय डिफाइनिंग हीट हीट चेंज, तो ये तरीके से आप पता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, और बाय डिफाइनिंग स्टेट्स, कैसे स्टेट्स कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे सॉलिड्स जो हैं उनके लिए हम एस लगा देते हैं साइड में, लिक्विड्स के लिए हम लोग एल लगा देते हैं, गैसेस के लिए हम लोग जी लगा देते हैं, और सॉल्यूशन इन वाटर के लिए हम एक्वस लगा देते हैं। जैसे इसका एक हम एग्जांपल ले लेते हैं अभी, जैसे जिंक जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, H2SO4 एक्वस होता है, तो इट फॉर्म ZnSO4 विच इज सॉलिड प्लस H2 विच इज गैस, तो ये तरीका है इसका लिखने का, इस तरीके से हम लोग इनको लिख सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं डिफाइनिंग हीट चेंजेस इन रिएक्शन. टाइप ऑफ रिएक्शंस बेस्ड ऑन एनर्जी चेंजेस. दो टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक. स्टार्ट करते हैं इसमें. सबसे पहले एक्सोथर्मिक. Those reactions in which heat is released are called as exothermic reactions. All combustion reaction are exothermic. जिन भी reactions में burning होती है are exothermic, क्योंकि उन सब में heat is released. जैसे अब इसके अंदर हम देख सकते हैं burning of carbon. जैसे इसका हम एग्जांपल लेते हैं बर्निंग ऑफ कार्बन का. कार्बन जो है इट बर्न्स इन ऑक्सीजन फॉर्म CO2 प्लस इधर हीट रिलीज होती है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. आगे बढ़ते हैं इसमें. तो आगे बढ़ते हैं इसमें. बर्निंग ऑफ कार्बन के बाद बर्निंग ऑफ मीथेन. तो बर्निंग ऑफ मीथेन में CH4 विच इज गैशियस, O2 विच इज अगेन गैशियस, it forms CO2 plus H2O. This is gaseous, this is liquid. इसको balance करना है, balance करते हैं. तो आप देखते हैं एक बार, अगर यहाँ हम 2 mention करते हैं तो CO2 plus 2H2O, तो ये balance हो जाता है. तो इसमें भी plus heat is released. This is also one of the respiration is a process, exothermic one. May C6H12O6 aqueous plus oxygen gives CO2 plus H2O plus lot of heat is released. Let us try to balance. This is 6. This is also 6. तो ये क्लियर हो गया. तो नाउ सेकेंड वन इज एंडोथर्मिक.
So those reactions in which heat is absorbed are called as endothermic reactions. Generally, all decomposition reactions are endothermic. क्योंकि ब्रेक करने के लिए हीट देनी पड़ती है तो हीट एब्जॉर्ब हो जाती है. ऐसा जरूरी नहीं है बट जनरली ऐसे हैं. जैसे अभी एग्जाम्पल एक इसका हम ले लेते हैं और कि N2 plus O2 gas gives 2NO. इसमें हमें हीट पहले यहां देनी पड़ती है तो हीट इज एब्जॉर्ब्ड. एग्जाम्पल इसका ये हो गया. तो एक इसमें हम ये भी लिख सकते हैं एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. टू फॉर्म H2 एंड O2. ये भी इसका एक एग्जांपल है. तो H2O इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं अगर तो H2 प्लस O2 इसको बैलेंस करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास. दिस इज एक्वस लिक्विड फॉर्म. दिस इज गैसियस. गैसियस तो ये है हमारे पास. सो एक एग्जांपल और लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का. डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम KClO3 इज डिकम्पोजिंग हीट. दिस इज साइन ऑफ हीट. साइन ऑफ हीट ट्राइंगल का साइन जैसे हम बनाते हैं. दिस इज KCl प्लस O2. तो KClO3 इज ए सॉलिड. KCl इज ऑल्सो सॉलिड. दिस इज गैस. तो इसको बैलेंस करते हैं जरा. ये तरीका है इसको बैलेंस करने का. 2KClO3 gives 2KCl plus 3O2. एक एग्जांपल आप और लिख सकते हैं इसका. फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जांपल. फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल है और एक एंडोथर्मिक में. तो इसमें 6CO2 बैलेंस करके लिख रहे हैं इसको प्लस 6H2O लिक्विड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर्म्स दिस ग्लूकोस प्लस 6O2 सी रिक्वेस्ट. This is
कैशेस, ठीक है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है बैलेंस करने के लिए, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, अमोनिया डिकम्पोजिंग इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। कार्बन कंबाइन्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आप इनको ट्राई कर सकते हैं एक बार करने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। देखते हैं, फर्स्ट अमोनिया डिकम्पोजिंग नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, तो हमें इसको बैलेंस करना है। कार्बन कंबाइन्स विथ टू फॉर्म CO, आइए इसको बैलेंस करते हैं। N2 प्लस H2 है, तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं N2 बैलेंस हो गया, H2 के आगे 3 लगा देते हैं बैलेंस हो गया, और इसमें 2 लगा देते हैं, दिस इज ऑल बैलेंस्ड। आगे बढ़ते हैं, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। तो व्हाट आर द स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड, तो स्टेप नंबर 1 बैलेंस करने के लिए, राइट केमिकल इक्वेशन यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूलास। स्टेप नंबर 2, राइट स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। स्टेप नंबर 3, मल्टीप्लाई इक्वेशन विथ सिंपलेस्ट इंटीजर टू बैलेंस। आइए अब इसको लिखते हैं, राइट बैलेंस्ड इक्वेशन। फॉर फॉलोइंग मिथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सेकेंड लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार और इसमें, ऑन एडिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड
to an aqueous solution of copper sulfate, copper hydroxide. Is precipitated and sodium sulfate in solution. Remains in solution. Third, likhte hain hydrogen gas combines. With nitrogen to form ammonia. आगे लिख लेते हैं कुछ क्वेश्चन हम और. तो और क्वेश्चन लिखते हैं इसमें. सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव sodium hydroxide and hydrogen. Hydrogen combine with chlorine to form hydrogen chloride. तो आइए हम अब इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट, मिथेन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. तो इसको साथ में हम इनका लिखते हैं कैसे देंगे. सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉपर सल्फेट to form copper hydroxide, sodium sulfate. Because this is precipitated, तो ये solid हो गया. ये फिर से aqueous. अभी balancing देखेंगे हम. Hydrogen gas combines with nitrogen to form ammonia, NH3. Sodium reacts with sodium reacts with water to form sodium hydroxide plus hydrogen gas. आइए इसको quickly balance करते हैं. CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O. कार्बन एक ही है, हाइड्रोजन इधर चार हैं, तो हम इधर भी चार कर देते हैं हाइड्रोजन. इधर ऑक्सीजन दो हैं और दो चार, तो ये सिंपलेस्ट इससे बैलेंस करके आ जाएगा. NaOH अगर CuSO4 के कंबाइन हो रहा है तो यहाँ CuOH होल ट्वाइस बनता है, तो इधर टू करना पड़ेगा हमें. तो कॉपर हाइड्रोक्साइड Na2 और SO4. आई थिंक ये बैलेंस हो जाता है पूरा. H2SO4, यस. H2 plus N2 gives NH3. तो नाइट्रोजन डबल है, इधर डबल कर देते हैं. हाइड्रोजन इधर 6 है, तो इधर भी 6 कर देते हैं. अब सोडियम प्लस H2O gives NaOH plus H2. तो कि इधर भी ट्वाइस करना पड़ेगा, इधर भी ट्वाइस करना पड़ेगा और इधर. आई थिंक ये बैलेंस हो जाएगा इससे. ठीक है, तो एक रह गया हाइड्रोजन वाला, ये भी करते हैं.
क्विकली इसको बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन कंबाइंस विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2HCl। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है, हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।